प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोस के व्यक्ति ने अपनी पड़ोस की रहने वाली महिला को चाकू से गोदकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायल महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां पर रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। मैरठेड़ क्षेत्र के संभल मुरादाबाद रोड ईसागढ़ तिराहे के पास गुरुवार को पड़ोस के ही रहने वाले जयपाल पुत्र कन्हैया 45 वर्ष ने अपने पड़ोस में रहने वाली प्रवेश पत्नी बिंटू 35 वर्षीय महिला को चाकू से गोदकर हत्या कर दी और खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज और बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी देहात विद्यासागर, पुलिस क्षेत्र अधिकारी बिलारी देशदीपक सिंह ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए जांच पड़ताल की, जिसमें पुलिस की जानकारी के अनुसार पड़ोस में रहने वाले जयपाल आए दिन शराब पीकर पड़ोस में रहने वाली महिला प्रवेश को गालियां देकर मारपीट करता था, जिसके चलते आज गुरुवार को भी जयपाल महिला के घर पहुंच गया और घर में अकेली महिला को चाकू से गोदकर लहूलुहान कर दिया और खुद को भी तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में महिला ने अपने 5 बच्चे पीछे छोड़ दिए। घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। लोगों में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा हो रही है। ये ग्राम बरखेड़ा थाना मैनाठेड़ में एक प्रवेश नाम की महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया। घटना स्थल निरीक्षण के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि पड़ोस में रहने वाले जयपाल, जो कि उस समय घर में आया था, और प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो रहा है कि यह घटना उसके द्वारा कारित की गई, और घटना कारित करने के बाद उसके द्वारा अपने आप को भी गोली मार ली गई है। मौके पर अवैध असलाह भी पड़ा हुआ है। विस्तृत जांच की जाएगी, साथ ही ये दोनों बॉडीज़ का पंचायतनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, और ये दोनों पड़ोस आसपास के ही रहने वाले लोग हैं।